हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव भारद्वाज, बायोलॉजी फैकल्टी। आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेज मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो चुके हैं, बट एग्जाम डेट अभी तक कुछ पता नहीं है और सुनने में आ रहा है अभी काफ़ी समय और लग सकता है। इसी क्रम में एलटी ग्रेड बायोलॉजी नोटिफिकेशन अपकमिंग है, जो मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में सुनने को मिल रहा है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी में वैकेंसी काफ़ी अच्छी आती हैं, ये राजकीय विद्यालय होते हैं। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप सीपी स्मार्ट क्लासेज को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमें व्हाट्सअप कीजिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 8299226960 पर और लिखें एंट्री टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और हमें व्हाट्सअप कीजिए। अब स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है जिसमें आप सभी को मैंने वायरस काफ़ी डिटेल में बताया है। इसी सीरीज में, इसी कड़ी में आज लेक्चर नंबर 2 लेके मैं आया हूँ और इसमें हम वायरस का जो नेक्स्ट कंटेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम शेप ऑफ वायरस। वायरस की शेप की बात करते हैं। ब्रिक शेप्ड वायरस किसमें होता है? स्मॉल पॉक्स में होता है। स्फेरिकल शेप किसमें होता है? आपका इन्फ्लुएंजा और HIV में होता है। इसी प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है रोड शेप्ड, अनेकों बार टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में पूछा गया है, TMB में होता है। इसी प्रकार टेडपोल शेप बैक्टीरिया में होता है। तो ये तो थी स्टूडेंट्स शेप ऑफ वायरस की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में अनेकों बार क्वेश्चंस बनते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट कंटेंट है वायरस का स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी वायरस किसका बना है, वायरस का आवरण क्या है, वायरस का मेटेरियल क्या है। तो ये हम इसमें स्ट्रक्चर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट देखें, वायरसेस डू नॉट कैरी सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म, यानी जो वायरसेस हैं आपके, उनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, कोशिकांग और साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट देखें आप, वायरसेस आर मेड अप ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स, यानी जो आपके वायरसेस हैं वो 2 बेसिक कंपोनेंट के बने हुए होते हैं। पहला इसमें कोर है और सेकेंड कैप्सिड है। अगर आप कोर की बात करें तो इट इज न्यूक्लिक एसिड पार्ट ऑफ वायरस। ये वायरस का कौन सा पार्ट है? न्यूक्लिक एसिड पार्ट है। अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड पार्ट ऑफ वायरस, तो वो आपका कोर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर DNA और RNA बट नॉट बोथ। जो इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा वो या तो RNA होगा या DNA होगा, लेकिन दोनों नहीं होते हैं। इट इज ऑल्सो कोल्ड जीनोम, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कोर को जीनोम के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट कैप्सिड, इट इज द प्रोटीनियस कोट ऑफ वायरस। स्टूडेंट, ये वायरस का प्रोटीनियस कोट होता है, यानी प्रोटीन का बना है और कोट, जैसे आप देखते हैं दीवार पर कलर कर दिया जाता है तो वो कोट का काम करता है। विच सराउंडेड कोर, जो कोर को आवृत करता है, उसको सराउंड करता है, घेरता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप। अब इन 2 पॉइंटों के आधार पर मैंने एक थर्ड पॉइंट डाला है इसमें, वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन, क्योंकि हम ये बात जान चुके हैं कि वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड वाले पार्ट को कोर कहते हैं और प्रोटीन वाले पार्ट को कैप्सिड कहते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं वायरस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन। और स्टार लगा है, ये वेरी IMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, कैप्सिड कंसिस्ट कैप्सोमियर्स। अब ये एक नई बात आई है आप लोगों के लिए, कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रोटीन। एलटी ग्रेड टीजीटी और पीजीटी में जो क्वेश्चंस बने हैं उसी क्रम में मैंने यहाँ आपको बताया गया है। 162 कैप्सोमियर्स कहाँ पाए जाते हैं? हर्पीज वायरस में होते हैं। इसी प्रकार 252 कैप्सोमियर्स एडिनो वायरस में होंगे। वेरी IMP है ये, इसे आप नोट कर लें। 2130 कैप्सोमियर कहाँ मिलते हैं? TMB में मिलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस में, अनेकों बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, सम वायरसेस सच एज, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा है इसमें, मिजाइल्स है इसमें, कंसिस्ट ए फंक्शनल एक्टिव एनविलोप। कुछ वायरसों के पास एक एक्टिव फंक्शनल एनविलोप आवरण पाया जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक और पैप्लोमर्स कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है स्पाइक और पैप्लोमर कहाँ मिलता है, तो इन्फ्लुएंजा में मिलता है, मेजल्स में मिलता है। क्या चीज होती है वो, एक्टिवली फंक्शनली क्या होता है, एनविलोप होता है। तो इस क्रम में स्टूडेंट्स मैंने आज आपको बताया वायरस की शेप, वायरस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कंटेंट जो वायरस का होगा वो हम लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे। लास्ट में मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर आप अपनी एक सीट को निश्चित करना चाहते हैं आगमी शिक्षक भर्ती TGT PGT और LT ग्रेड में, तो हमें व्हाट्सअप करें हमारे दिए गए नंबर 8299226960 पे और लिखें एंट्री TGT PGT LT ग्रेड। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।